नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार मध्य तुर्की में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। यूरोपीय भूमध्य सागरी भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की गहराई 2 किलोमीटर थी। बता दें कि एक दिन पहले भी तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने दोनों देशों में हजारों लोगों की जान ले ली है। करीब 4,000 से अधिक लोगों की भूकंप के कारण जान चली गई है। तुर्की में 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के लगातार 3 भूकंप आए थे। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,300 हो गई है। भारत से भूकंप राहत सामग्री का पहला जत्था आज तुर्की पहुंच गया है। बता दें कि यूपी के गाजियाबाद के हिडन एयरबेस से तुर्की के लिए पहला जत्था रवाना हुआ था। राहत सामग्री का पहला जत्था तुर्की पहुंचा। तुर्की सीरिया में आए भूकंप में 4,000 से ज्यादा मौत हो गई, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके अलावा दोनों देशों में भारी नुकसान भी हुआ है। बताते चले कि दोनों देशों की सीमा पर सोमवार तड़के रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें जान माल का भी नुकसान हुआ है। सीरिया तुर्की में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दुख जताया है। भारत ने सोमवार को कहा कि वह संकट की इस घड़ी में तुर्की की मदद के लिए तैयार है।